अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का पता है कि एक्स उसमें किसके इक्वल होता है, आर कॉस थीटा के, और जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाई है वो किसके इक्वल होता है, आर साइन थीटा के, ठीक है। और हमारे पास जो पॉइंट गिवन है वो है सिक्स, आर हमारे पास सिक्स है और थीटा हमारे पास फाइव बाई सिक्स गिवन है। हमने सिंपल इन वैल्यूज को एक्स के फॉर्मूले में पुट कर देना है, आर कॉस थीटा के अंदर सिक्स और कॉस थीटा फाइव बाई सिक्स किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट थ्री बाई टू के, तो आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आंसर आ जाता है थ्री स्क्वायर रूट थ्री। वाई है आर साइन थीटा के इक्वल, तो साइन थीटा की जगह हमने फाइव बाई सिक्स लिख दिया, आर की जगह पे सिक्स लिख दिया, साइन फाइव बाई सिक्स इज वन ओवर टू, कैंसलेशन होकर हमारे पास थ्री आ जाता है। ये हमारे पास एक्स वाई या कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। दूसरा हमारे पास पॉइंट है सेवन, आर इज सेवन एंड थीटा इज टू फाइव बाई थ्री, तो हम कॉस के अंदर टू फाइव बाई थ्री पुट करते हैं जो कि माइनस वन ओवर टू आता है, मल्टीप्लाई करते हैं सेवन के साथ, आपको एक्स मिल जाएगा। इसी तरह वाई के लिए साइन में थीटा की जगह टू फाइव बाई थ्री पुट करके इसकी वैल्यू निकालें और उसको सेवन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आर इज माइनस सिक्स एंड थीटा इज माइनस फाइव बाई सिक्स, तो कॉस माइनस फाइव बाई सिक्स, कॉस के अंदर माइनस हो पॉजिटिव हो क्या बन जाता है, वो पॉजिटिव बन जाता है, तो आप माइनस फाइव बाई सिक्स की वैल्यू निकालें या फाइव बाई सिक्स की वैल्यू निकालें वो क्या आएगी, माइनस स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू, उसको आप माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करें तो थ्री स्क्वायर रूट थ्री आ जाएगा। इसी तरह माइनस सिक्स आर इज माइनस सिक्स एंड अगेन साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव बाहर आ जाती है, तो आप अगर फाइव बाई सिक्स का साइन लेंगे तो आ जाएगा माइनस वन ओवर टू, दिस बिकम्स माइनस सिक्स इंटू माइनस वन ओवर टू और दैट बिकम्स थ्री। डी में हमारे पास है जीरो, आर इज जीरो एंड एंगल इज माइनस फाइव, इसको आप फार्मूले में पुट कर दें, जीरो कॉस थीटा जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज जीरो, इसी तरह जीरो साइन माइनस फाइव इज अगेन जीरो मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज जीरो, तो आंसर आ जाता है जीरो जीरो। नेक्स्ट हमारे पास ई में सेवन और थीटा सेवनटीन बाई फाइव है, कॉस की आप वैल्यू निकालें मल्टीप्लाई कर दें, साइन की वैल्यू निकालें वाई के लिए और मल्टीप्लाई कर दें। एफ में हमारे पास फाइव है और थीटा हमारे पास जीरो है, तो कॉस जीरो इज वन माइनस फाइव आ गया एंड साइन जीरो इज जीरो, दैट बिकम्स वाई इज जीरो, तो हमारे पास माइनस फाइव और जीरो आ गया। इसी तरह क्वेश्चन फोर में भी आप इन्हीं फार्मूलों को यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी हुई है, यू कैन कैलकुलेट दम।